हिजाब पहनकर रिंग में लड़ने उतरती है ये महिला, पुरुषों को भी चटा देती है धूल। आपने महिलाओं को रेसलिंग करते तो बहुत देखा होगा, लेकिन क्या कभी किसी महिला को हिजाब पहनकर रिंग में लड़ते देखा है? जी हाँ, मलेशिया की रहने वाली नोर डायना हिजाब पहनकर रेसलिंग करती हैं। डायना पहली ऐसी महिला है जो हिजाब पहनकर पुरुष और महिला दोनों से रिंग में लड़ती हैं। 19 वर्षीय नोर डायना ने मलेशिया प्रो रेसलिंग में पुरुषों के साथ फाइट की है और वो ऐसी करने वाली पहली महिला है। वह ट्राउजर्स, काला हिजाब और टॉप पहनकर रिंग में विरोधियों को धूल चटाने उतरती हैं। लोग डायना को काफी पसंद भी करते हैं। डायना ने साल 2015 में रेसलिंग की शुरुआत की थी। उनका बचपन से ही सपना था कि वे एक बेहतरीन फाइटर बने। आपको बता दें कि डायना एक पेशेवर फाइटर होने के साथ साथ अस्पताल में भी काम करती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डायना पहले मास्क पहनकर रेसलिंग करती थी ताकि उन्हें कोई पहचान न सके, लेकिन पिछले साल वह मैच हार गई, जिसके बाद उन्होंने मास्क उतार कर फेंक दिया और हिजाब पहनकर लड़ना शुरू किया। डायना बताती हैं, सोशल मीडिया पर मेरी खबरें वायरल होने के बाद कई लोग एक हिजाब पहनी मुस्लिम लड़की को रेसलिंग करते देख हैरान थे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो मेरी प्रतिभा को नजरअंदाज करें। मैं चाहती हूं कि लोग रेसलिंग के प्रति मेरे जुनून और प्यार को देखें। साथ ही मैं चाहती हूं कि वो यह स्वीकार करें कि हिजाबी लड़कियां क्या क्या कर सकती हैं।